तो आज नीस में ये बारिश का दिन है, पर काफ़ी प्लेजेंट है, बहुत ही अच्छा वेदर है। तो दोस्तों, हमारा ये भी पहला सवेरा है नीस में, और आज सवेरे से बहुत बारिश हो रही है। तो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम जाएंगे एक हाइक में, जहाँ से वो सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, पर अभी हमने वो प्लान चेंज किया है। हमने डिसाइड किया है कि हम आज इंडोर्स कुछ करते हैं। तो अभी हम अभी सोच रहे हैं कि, या सोच लिया है कि अब हम एक म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंडोर में रहना ठीक रहेगा। तो म्यूज़ियम का प्लान हमारा ऑलरेडी था, तो अब ये कि उसको थोड़ा सा हमने स्विच किया है, और आज हम अभी म्यूज़ियम जा रहे हैं, और अगर दोपहर को अगर वेदर थोड़ा खुलता है तब हम जाएंगे हाइक में। ये देखिए, काफ़ी क्रिसमस की सजावट है हर जगह। बारिश थोड़ी तेज हो गई है। तो दोस्तों, ये अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारे साथ मेरी ये बेटी है, उसके पास भी कैमरा है, और हमारा जो जीपीएस दिखा रहा है कि अभी ये म्यूज़ियम यहाँ से आधे घंटे के रास्ते में है। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया मौसम है, और कूदने का मन करता है, और बहुत ही अच्छा मौसम है, जो इंडिया में हम कहते हैं चाय और पकौड़े वाला मौसम है। पर हम सोच रहे हैं कि हम रास्ते में कुछ कैफ़े वगैरह में तो ज़रूर रुकेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, ख्वाइजों खाएंगे, क्योंकि तो यहाँ तो पकौड़े मिलते नहीं हैं। थैंक यू। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई है, इसलिए हम लोग ये यहाँ बस स्टॉप में शेल्टर ले लें। दोस्तों, हम बारिश ज़्यादा हो रही थी इसलिए हमने यहाँ बस पकड़ ली है, तो हम बस में जा रहे हैं म्यूज़ियम, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और बच्चे भीग रहे थे। दोस्तों, हम अब ये म्यूज़ियम पहुँच गए हैं, म्यूज़े मातिस। बारिश रुक गई है। दोस्तों, म्यूजियम थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा बोरिंग निकला मेरे ख्याल में। अगर आप थोड़े आर्टिस्ट टाइप हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे, पर ठीक है, जब वो तेज़ बारिश हो रही थी तब हम उस समय चले गए। अब हम निकल गए हैं, तो अब कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं, तो लेट्स सी। ये कुछ एक पुराना सही का स्ट्रक्चर है सामने, ये देखिए, और अब हम निकल रहे हैं, और अब निकलते ही फिर से बारिश शुरू हो गई। अब मैं आ रहा हूँ बस। This was she good? और ये सिंपल सुशी लंच। दोस्तों, ये बारिश तो रुक नहीं रही है, तो अब हमारा जो ओरिजिनल प्लान था कि हम एक कासल देखने जाएंगे, तो अब हम वहीं कासल जा रहे हैं, क्योंकि कल परसों हमारे दूसरे प्लान हैं, तो अगर आज हमने वो कासल नहीं देखा तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। तो हालांकि अब, क्योंकि अब रेन प्रेडिक्शन आज ओवर 90% है शाम तक, तो कोई पॉइंट नहीं है अब वेट करने का। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो हम कहीं पर रुक लेंगे, पर अभी जैसे लाइट रेन चलेगी तो हम वॉक करते रहेंगे। तो हमारे ख्याल से व्यू अब इतना अच्छा नहीं मिलेगा हमें, पर फिर भी
जो भी देखने को मिलता है। चलिए अब चल के देखते हैं। थैंक यू।